था पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खेलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना। वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है। माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। ये लो मैं आ गया। हाँ लेकिन तू बहुत देर कर दी भाई। अरे रामू मुझे करना क्या है ये तो बता। ऐसे ऐसे शरीर को इस तरह से मोड़ना है। मार्केट से अपनी मम्मी के लिए मॉर्निंग सूट ले आना, कल से मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पे जाएंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जब खेतों में लहराती फसलों को देखता हूँ, उनकी घूमती वालियों को छूता हूँ, तो वो वालियाँ मुझसे कहती हैं कि हमें देखकर उदास मत हो। बचपन में वो स्कूल के मास्टर जी हमारे, वो हमेशा पूछते थे क्या तुम लोग जुड़वा हो। और तूने क्या कहा था पता है? तूने हाँ कह दिया था उसे। रामू। हाँ भाई। तेरा ये घर बहुत पुराना हो गया है। मेरे घर के पास जो खाली जमीन पड़ी है ना, वहां तो अपना नया बढ़िया घर बना ले। दोनों पड़ोसी हो जाएंगे, साथ साथ रहेंगे, और दोनों मकानों के बीच में खटिया डाल के अपनी बचपन की शरारतें याद किया करेंगे। तो बिल्कुल सही कह रहा था हूँ, लेकिन अब शहर में कोई लाखों रुपया तो महीने में कमाता नहीं था। जितना भी कमा पाता था उसमें घर में चूल्हा जल जाता था और बच्चों की पढ़ाई हो जाती थी बस। अब दोनों बेटियों की शादी की उम्र हो चुकी है, अब कहाँ घर बनाऊंगा, क्या करूंगा उसका। बेटियां जो है शादी करके अपने अपने घर चली जाएंगी। हमारे क्या है, हमारी तो आधी से ज्यादा उम्र बीत चुकी है। जितनी भी बची है वो बस यही जी लूंगा, मर लूंगा यही। अब आप लोग आ जाइए, खाना लगा दिया है मैंने। अच्छा, आते हैं। आइए। क्या हो गया, चल खाना खाते हैं। आज भी तूने मेरी बात टाल दी ना। छोड़ ना ये सब, चल खाना खाते हैं पहले। चल यार। अरे आ गया तू, चल हाथ मुंह धोले, मैं खाना लगाती हूँ। माँ बाबूजी ने खाना खा लिया? वो रामू भैया के घर गए, वहां से खा कर आएंगे। अच्छा आप मेरा खाना लगा दो। चल जी माँ। जी देवेश, तुम बाजार की तरफ जाने वाले हो क्या? जी काकी, कुछ लाना है। जरा मेरे फोन में रिचार्ज करवा दे, पता नहीं सूरज ने क्या कर दिया, पूरे खेल में मेरा बैलेंस खत्म कर दिया। अरे काकी सूरज को बोला करो सारा दिन फोन से ना चिपकरा करे, थोड़ा अपनी पढ़ाई में भी ध्यान लगा ले। अरे मैं तो दिन रात उसे समझाती हूँ, वो मेरी सुनता ही का है। बेटा तू क्यों नहीं समझा देता उसको? काकी उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है, सारा दिन तो दोस्तों के साथ बाहर घूमता रहता है। तुझसे तो वो डरता है, तू तो जरा समझा दे बेटा उसको। अरे काकी मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे डरे, बस वो मेरी इज्जत करे इतना ही बहुत है, और मैं तो चाहता हूँ कि वो किसी से भी न डरे। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है इस लड़के का क्या होगा दिवेश। सब ठीक होगा काकी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हमारे घर का लड़का है, गलत कैसे हो सकता है। और फिर वो बहुत अच्छे से जानता है कि दादाजी और बाबूजी की इस गाँव में कितनी इज्जत है। सब ठीक होगा बिल्कुल। अच्छा मैं खाना खा के अभी जाके आपका फोन रिचार्ज करवा देता हूँ। सूरज, सूरज इधर आ। अभी आया भैया। जी भैया। क्या सारा दिन दोस्तों के साथ मटर गश्ती? काकी ने तुझे फोन रिचार्ज कराने को कहा था, करवा दिए? भैया बस अभी जा ही रहा था। अच्छा एक काम कर, तू रहने दे, मैं जा रहा हूँ, मैं करवा दूंगा, ठीक है? और सुन घर जाके खाना खा ले। ठीक है भैया, बस जा रहा हूँ। तो घर जा। जी जी, जी।
रामू, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका पूरी तरह से फायदा हमारे गांव वालों को क्यों नहीं मिल पाया? खेती की दशा तो पहले जैसी थी, उससे उसमें बहुत बदलाव आया है। जो छोटे किसान है ना, 10 बीघा या उससे कम वाले, उनका सिर्फ आज गुजारा ही हो पाता है, खेती से फायदा नहीं हो रहा है उनको। नहीं रामू, देखा ऐसी बात नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ना, ये पूरी तरह से लागू हो चुकी है। सरकार का ये दावा है कि 2022 साल तक वो हर किसी को, हर भारतवासी को पक्के मकान दिलाने में मदद करेगी। देखो, सबके नाम की सूची जा चुकी है, जैसे ही स्वीकृति मिलेगी काम शुरू हो जाएगा। मैं जिसकी बात कर रहा था वो है गांव के लोगों के जीवन को लेकर। लेकिन दामू, गांव वालों की इच्छाएं भी बहुत कम है। अब जिनके पास जितना है उसी में संतुष्ट है। देख रामू, ये इच्छाएं तब तक ही रहती हैं जब तक गांव वाले शहर नहीं जाते। आजकल के लड़के देखें, फौरन शहर भाग जाते हैं, उनकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, जरूरतें बढ़ जाती हैं। याद है तुझे, हमारे बचपन में गांव में एक मोटरसाइकिल आती थी तो हम जब बच्चे थे उसके पीछे पीछे भागा करते थे। और आज देख कितना बदलाव आया है, एक घर के बाहर दो दो मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। इंसान ने ना अपनी जरूरतें बढ़ा ली। मैं बात कर रहा हूं उन चीजों की जो इंसान के कंट्रोल से बाहर है, जैसे महंगे मोबाइल, महंगी मोटरसाइकिल, महंगी कारें। तुझे मालूम है, शहर जाने के बाद इस गांव में हर घर के बाहर दो दो मोटरसाइकिल खड़ी हैं। यहां तक कि कई लोग तो कार खरीदने की चेष्टा कर रहे हैं। अब इनकी किश्तें भरते भरते इंसान की कमर टूट जाती है। आज किसान के घर से लेकर उसके खेत तक और खेत से लेकर मंडी तक बहुत सारी सुविधाएं सरकार दे रही है, लेकिन वक्त बदलने में तो वक्त लगता है ना रामू। हाँ, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि वक्त बदलने में कभी कभी पीढ़ियां लग जाती है। अब देखना, जिस इंसान ने हालात बदलने के लिए संघर्ष किया उनको उसका फल मिलता ही नहीं है। वक्त बदल जाता है, पीढ़ियां बदल जाती है। इसका कारण ये है रामू कि समय के साथ इंसान अपनी जरूरतों को कम नहीं करता है। तो मतलब कोई जिंदा रहने के लिए रोटी ना खाए, तन ढकने के लिए कपड़े ना पहने, क्या करे फिर? ऐसा नहीं है, रोटी कपड़ा मकान ये किसी की भी प्राथमिक जरूरतें हैं। मैं तो कहता हूं कि वो अच्छा जीवन जिए, उनको भी हक है अपना जीवन स्तर बढ़ाने के लिए। खेत में किसान पैदावार करता है, उस फसल को मंडी में बेच के कमाई करता है, लेकिन आज किसान की भी जरूरतें इतनी ज्यादा हो गई कि जो कमाई करता है उससे सारी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। तो किसान को खुशहाल होने का एक ही रास्ता है, खेती से भी कमाई हो और घर के आंगन से भी कमाई हो। मुझे बहुत खुशी है कि देवेश्वर इस विषय को लेकर काम कर रहा है और तुम्हारी बेटी कल्याणी महिलाओं के साथ मिलकर घर आंगन से कैसे कमाई हो इस काम में लग गई है। ये देख, बातों बातों में पता ही नहीं चला कितना समय हो गया, मेरे घर के नजदीक आ गए, तेरे घर से चले थे हम। तो इसमें कौन सी नई बात है, बचपन में तो हम एक गांव से दूसरे गांव जाते ही थे, और जब गिल्ली डंडा खेलते थे तब तो 10-10 बार आया जाया करते थे। चला आ गया है तो रज्जो के हाथ का मट्ठा पी के जा। हाँ, ये अच्छा रहेगा। आजा। चल। आओ। हाँ। बैठो। रज्जो, रामू आए, दो ग्लास मट्ठा लेकर आओ। जी, अभी आई। रामू, हाँ, तुझे मालूम है माँ जी 4 धाम यात्रा पर जा रही हैं। अरे वाह, ये तो खुशी की खबर है। तो फिर एक और खुशी की खबर सुन। अच्छा, वो क्या है? छोटे जो है शहर से हमेशा के लिए गांव में रहने के लिए आ रहा है। अरे वाह, ये तो उससे भी अच्छी खबर है। मतलब सारी की सारी महान घटनाएं एक साथ इसी घर में हो रही है। ये कौन सी महान घटना हुई? अरे हर बात पे वाह वाह कहने की आदत तेरी गई नहीं है अभी? ऐसी बात नहीं आता हूं, जो दो घटनाएं तूने बताई है ना, वो दोनों के दोनों वाह-वाह करने लायक है। और मैं ये भी जानता हूं कि इन दो घटनाओं से तेरे दिल में कितना सुकून मिलता है। बात तो तेरी सही है। वैसे माँ जी तो 4 धाम की यात्रा पर कई बार गई हैं और छोटे भी शहर से आता जाता रहता है, लेकिन इस बार कह रहा था कि हमेशा के लिए रहने आ रहा हूं, लेकिन उसका भरोसा नहीं है। कहता है आएगा रहेगा और फिर गायब हो जाएगा, 12-12 महीने के लिए गायब हो जाता है।
लेकिन इस बार इस घर के लिए सबसे सुखद घटना ये है कि तेरी बेटी का इस घर में बहू बनकर आना। तो फिर इंतजार किस बात का? नमस्ते भाभी। नमस्ते भैया, ये लीजिए। देखिए, अब तो देवेश और कल्याणी एक दूसरे को अच्छी तरह जानने लग गए, साथ साथ काम भी करते हैं और रोज मिलते जुलते भी हैं। तो बस जल्दी से मुहूर्त निकालते हैं और फेरे लगवा देते। क्यों? बात तो रज्जो ने बिल्कुल सही कही है। अब किसका इंतजार, हमें किससे पूछना है? हाँ भाई, हमें तो कन्यादान करना है, फेरे तो देवेश्वर और कल्याणी को लेने हैं। और वैसे भी अगले महीने से वो शादी की मुहूर्त भी शुरू हो रही है, तो ये मंगल कार्य कर डालते हैं, है ना? हाँ, ये सही रहेगा। बेटा, तुम्हारी तस्वीर अखबार में देखी, बहुत खुशी हुई। तुम जो गांव के लिए, समाज के लिए कर रहे हो, ये सब सुनकर देखकर सीना चौड़ा हो जाता है। आप सब बड़ों का आशीर्वाद है चाचा जी। जो दादाजी और बाबूजी ने किया, बस उसे ठीक ढंग से वैज्ञानिक तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ बस। दामन मिट्टी का और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। दामन मिट्टी का। हाँ हाँ ठीक है, कब तक? जी ओके। अरे बेटा, छोटू का फोन है क्या? नहीं माँ, थोड़ी देर पहले आया था उसका फोन, वो पहुंचता ही होगा। अरे मेरा छोटे, अरे मेरा बच्चा, कैसा है तू? तू तो अपनी माँ को बिल्कुल भूल गया है। ऐसी बात नहीं है माँ, अब मेरा काम ही कुछ ऐसा है कि क्या बताऊं। यहाँ काम की कमी है क्या? हाँ, पर तेरी तो मटर गश्ती की आदत बन गई है। अब तू बच्चा नहीं है, तेरा बेटा भी अब बड़ा हो गया है। क्या माँ जी, इतनी दूर से वो सफर करके आया है, आप आते ही उसे डांटने लगी। भैया, भाभी कहाँ है? लो, यहाँ है तुम्हारी भाभी और साथ में तुम्हारी। जी तेरे बेटा, कैसे? बढ़िया। अब इत्तेफाक की बात है कि सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं और खाने का टाइम भी। बहू, हाँ माँ जी, खाना लगाओ। जी, और देवर जी, आप जल्दी से नहा धोकर फ्रेश हो जाइए, हम खाना लगा दें, ठीक है? जी। आप आ गए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूँ, कभी वापस नहीं जाऊंगा। अब तो खुश हो ना? तो दरवाजा खुला है, देख लिया करो। खाना लग गया है, खाना खाने के लिए बुला रहे हैं। और हाँ, ये सब मिलना जुलना बाद में कर लेना, ठीक है? आइए। बेटा, तुम्हारी तस्वीर अखबार में देखी, बहुत खुशी हुई। तुम जो गांव के लिए, समाज के लिए कर रहे हो, ये सब सुनकर देखकर सीना चौड़ा हो जाता है। आप सब बड़ों का आशीर्वाद है चाचा जी। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो दादाजी और बाबूजी ने किया, बस उसे ठीक ढंग से वैज्ञानिक तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूं बस। अरे ये वैज्ञानिक शब्द तो हमने पहली बार सुना है, हमें तो पता ही नहीं था इसके बारे में। हमें क्या मालूम था कि हमारे घर में होनार पैदा हो जाएगा। बाबूजी, मैं चाहे कुछ भी बन जाऊं, लेकिन मैं हमेशा आपके, इस गांव के और यहां की मिट्टी के नाम से जाना चाहूंगा। अरे कुछ लोग तुम्हें हमारे भतीजे के नाम से भी जानते हैं।
चलिए चलिए, अब सब लोग बात ही करते रहेंगे कि खाना भी खाएंगे। खाइए, खाओ बेटा। सूरज और दिव्यानी कहाँ है? सूरज अपने मोबाइल में व्यस्त है और दिव्यानी आ रही है। आज तुम सबको एक छत के नीचे हंसते मुस्कुराते देखकर मेरी कोई कामना नहीं बाकी है। मैं तीर्थ यात्रा पे जा रही हूँ, वहां भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरा छोटू अब हमारे पास हमेशा के लिए आ जाए। तो मां समझो कि भगवान ने आपकी बात सुन ली, अब मैं गांव में हमेशा के लिए आ गया हूं। पर अपने भतीजे के साथ मिलकर गांव की और समाज की सेवा करेंगे। देखा दामो, तेरी बात सच हो गई ना। तू कहता था ना कि एक दिन छोटू भी यहाँ आ जाएगा और फिर हम साथ रहेंगे। चलो खाना तो खाओ। जी बाबू। एक बात बताओ, तुमको छुट्टी मिलती नहीं थी या तुम ही नहीं लेते थे? क्या हुआ, जवाब नहीं है? ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे हो। कुछ सवाल और कर लो, फिर सबका जवाब एक साथ दूंगा। तुम जवाब देते ही कहाँ हो, जब भी फोन करती हो तो बस यही कह देते हो मिलकर बताऊंगा, अब जब मिले हो तो टुकुर टुकुर देख रहे हो। अरे पगली, यही तो जवाब है। तुमने पूरे गाँव भर में कोई 40-42 साल का ऐसा आदमी देखा होगा जो हम जितना रोमांटिक है? छी, हम गांव के मर्दों का रोमांटिक होना क्यों देखने जाएंगे? औरतें कुछ तो बात करती होंगी ना? हाँ बातें तो करती हैं, पर उनसे बात करो तो वो कुछ और ही मतलब निकाल लेती हैं। कहती हैं कि हम तुमको याद कर रहे हैं। तो याद नहीं करती क्या? करते तो थे, तो क्या सारे गाँव में ढिंढोरा पीटने जाए? अब हम यही रहेंगे। हाँ रहन दो, ये तो मैं 20 साल से सुनती आ रही हूँ। इस बार पक्का वाला है, नौकरी से इस्तीफा देकर आया हूँ। और यहाँ करेंगे क्या? कमाल करती हो, जब मैं शहर में था तो फोन करके कहती थी यहीं आ जाओ, यहाँ पर कुछ भी कर लेना, और अब बोल रही हो गांव में करोगे क्या? पर हम ये भी तो कहते थे कि हमको साथ बुला लो। हमारा मतलब सिर्फ तुम्हारे साथ रहने से। अरे अब आ गया ना हमेशा के लिए तुम्हारे पास, अब हम दोनों यूं ही साथ बैठकर बातें ही करते रहेंगे या कुछ प्रेम भी करेंगे। पापा प्लीज मेरा मोबाइल रिचार्ज करा देना प्लीज। तीर्थ यात्रा से लौटे या न लौटे सारी दुनिया देख ली है, मगर तुम लोगों को तो भी बहुत काम करना है। आपके बिना कैसे काम हो सकता है माँ जी? भगवान ने चाहा तो देवेश की शादी भी करनी होगी जल्दी। अरे बेटा, भगवान ने इतनी सुंदर जोड़ी बनाई है तो ब्याह तो होगा ही। दामन में टीका। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। दामन में टीका। अरे छोटे, प्रणाम भैया। अरे बस 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 भाई, शहर वाले गांव में मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? और अगर यही बात हम आपसे कहें तो कैसा रहेगा? और तुम छोटे हो, और पूछा तो मैंने भी पहले ही ना, तो तुम्हारा जवाब देना बनता है। तो अब भैया यही समझो कि गांव ने पुकारा और हम चले आए। अरे वाह, आज तो तुम बड़ा सुरीला हो रहे हो। अरे भैया लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या? पेट बहुत खराब हो गया। अब देवेश ने बोला कि गांव में अस्पताल बन गया है तो उसकी सेवाएं लेने चले आए। हाँ ये अच्छा किया तुमने, लेकिन एक बात कहूँ,
ये शहर में रह के जो आरओ वाला पानी पीते हैं ना हम लोग, उससे क्या हुआ, पेट की हालत ऐसी हो गई कि यहाँ के अमृत समान स्वच्छ पानी हमें हजम नहीं हो रही। लेकिन कोई बात नहीं, चिंता मत करो, दो चार दिन में ठीक हो जाएगा। मुझे भी 7 दिन तक यही दिक्कत थी। तो भैया क्या आपने डॉक्टर को दिखाया था शहर में? ना ना, ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो सुबह शाम 2 टाइम रज्जो भाभी के हाथ का वो गाढ़ा वाला मट्ठा पी लिया करता था। अरे भैया वो गाढ़ा मट्ठा हजम का होगा, उससे तो पेट और खराब हो जाएगा। अरे तो पेट को थोड़ी पता है कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो कि मट्ठा पी रहे हो। अरे कहाँ बैठ रहे हो, पेट में दर्द है ना, थोड़ा चला फिरा करो, घुमा करो गाँव में, ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात पे आपसे नाराज रहेंगे हम। हाँ ये मुझे पता है कि तुम किस बात से नाराज हो, तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया इसीलिए ना। लेकिन इसके लिए दामू से मैं कम से कम 10 बार माफी मांग चुका हूँ, अब तुम कहो तो तुम्हारे सामने भी माफी मांग लेता हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, आप शहर छोड़कर गांव आ गए तो समझो बस गिला शिकवे दूर हो गया। आप जब दूरियां ही बची नहीं तो शिकायत किस बात की, है ना। अब भाई मैं भी शहर में अकेला पड़ गया था। एक बात बताओ रामू भैया। हाँ बोलो। इस बार मैं भी नौकरी छोड़कर आया हूँ। अच्छा, जिंदगी में पहली बार तुमने एक नेक काम किया छोटे। सच कहूं तो ये गांव आने के बाद जितना सुकून मुझे मिला ना, शहर में 15-20 सालों में भी नहीं मिला। लेकिन भैया अब करोगे क्या गांव में? करना क्या है, हमसे जो छोटे हैं तुम्हारे जैसे ये लोग काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, हम बैठ के खाएंगे, ऐश करेंगे। चलो इस बहाने थोड़ा गांव का सैर कर लो, पेट भी ठीक हो जाएगा तुम्हारा, देखना। हाँ आओ आओ। चलो कल्याणी बेटा, देखो माँ तैयार हुई कि नहीं, वो दामू के घर जाना है आज। मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ, आप ही का गांव भ्रमण से मन नहीं भरता। हाँ ये बिल्कुल सही कहा तुमने पल्लवी, वाकई मन नहीं भरता। पता नहीं इस गांव से इतना मोह कहाँ से आ गया। आपका तो सदा से ही था, मैं ही आपको रोके बैठी थी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी कल्याणी और महारानी की शादी हो जाएगी तो फिर हम भी वो राधा चाची की तरह तीर्थ यात्रा पर निकल चलेंगे। सही कह रहे हैं आप। अगर ऐसी प्लानिंग चल रही है तो हम शादी 20-30 साल तक करने ही नहीं वाले। अरे क्या बोल रही हो तुम, तुम्हें पता है वहाँ दामू 1 महीने के लिए नहीं रुक रहा है और तुम 10-20 साल की बात कर रही हो, और वैसे भी देवेश्वर तो 20 साल के लिए इंतजार नहीं करे। नहीं फिर ठीक है, दीदी की फिक्स हो गई, लेकिन मैं तो रुक सकती हूँ ना। सब लोग रुक जाएंगे लेकिन चाची की तीर्थ की बस नहीं रुकेगी। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, चलो चलो जल्दी चलो। तुम लोग अपना ध्यान रखना ठीक है, हम जल्दी जाके आते हैं। चलो चलो। माँ जी आपका सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया है, आप अपना ख्याल रखना। आपने तो बेकार में जिद पकड़ ली कि अपने साथियों के साथ बस में जाएंगी, वरना हम लोग गाड़ी से अलग से जाते थे। अरे बेटा तुम्हारी उम्र है कोई तीर्थ जाने की? तीर्थ जाने की कोई उम्र होती है क्या माँ जी? होती है ना बेटा, होती है। हमारा क्या, हम तीर्थ यात्रा से लौटे या न लौटे। सारी दुनिया देख ली है, मगर तुम लोगों को तो भी बहुत काम करना है। आपके बिना कैसे काम हो सकता है माँ जी? भगवान ने चाहा तो देवेश की शादी भी करनी होगी जल्दी। अरे बेटा भगवान ने इतनी सुंदर जोड़ी बनाई है तो ब्याह तो होगा ही, तुम बेकार का चिंता करती हो। हमारे विज्ञान ने टमाटर उगाने की एक नई तरीके की विधि विकसित की है। उस टमाटर की खास बात यह है कि इसके पौधे में 25 किलो टमाटर पैदा हो सकते। मैं कल मायके जा रही हूँ। कुछ दिन तो रुक जाओ, और फिर देवेश का ब्याह भी है। क्या करूँगी मैं ब्याह में, डोली को कांदा दूंगी या दूल्हे की बलाएं लूंगी? मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना,
बुजुर्गों के गांव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहां मेरा जीवन वहां है, मजैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का।